ओके जी, आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे उसमें ये है कि टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट किस तरह से हुई है, स्पेशली कैमरा से रिलेटेड। हमारे पास पहले पुराने कैमरे होते थे, फिर कैमरा वो उनकी टेक्नोलॉजी बिल्कुल फ़र्क थी। उनमें फिल्म जो फोटो सिंथेटिक फिल्म डला करती थी और लाइट की बेस पे उस पर इफ़ेक्ट डल जाते थे, फिर उस फिल्म को हम डिवेल्प करवाया करते थे जाके और फिर पिक्चर प्रिंट होती थी। उसके बाद टेक्नोलॉजी कैमरे की बिल्कुल चेंज हो गई और डिजिटल जो है ना इमेजिंग का कॉन्सेप्ट आ गया। उसमें ये होता है कि कैमरा का जो लेंस होता है वो पिक्चर लेके उसका जो सारा इफेक्ट होता है वो डिजिटली उसी कैमरा में एक चिप के ऊपर या हार्ड डिस्क के ऊपर सेव कर देता है। उस कैमरा को हम कनेक्ट कर लेते हैं अपने कंप्यूटर से या लैपटॉप से और वहाँ से फिर हम उसको एडिट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। इस चेंज की वजह से जो है ना पिक्चर्स लेना या फोटोग्राफी करना जो है ना बड़ा कॉमन हो गया है। कैमरे जो हैं वो अब तकरीबन ऑलमोस्ट हर बंदे के पास होता है, हर घर में कैमरा होता है। और ये टेक्नोलॉजी जो है डिजिटल इमेजिंग की, ये स्टिल फोटोग्राफी में भी अब यूज़ हो रही है और वीडियो फोटोग्राफी में भी यूज़ हो रही है। जो हमारे वीडियोस कैमरा हैं वो भी नॉर्मली सारी की सारी जो वीडियो होती है वो डिजिटल फॉर्मेट में, किसी ना किसी डिजिटल फॉर्मेट में उसी कैमरे के ऊपर जो हार्ड डिस्क लगी होती है, चिप डली होती है, उसी के ऊपर सेव कर लेते हैं। और इसके बाद जो है अब और इससे पिक्चर क्वालिटी भी बहुत बेहतर हो गई। यानी शुरू शुरू में 1 मेगापिक्सल कैमराज थे, फिर 2, 3, 5, अब 8 और 12 मेगापिक्सल कैमराज आ गए हैं। पिक्चर क्वालिटी बहुत बेहतर है उनमें। वीडियो कैमराज में भी ये एडवांसमेंट इसी तरह से होती गई। और अब जो है नॉर्मली HD कैमराज जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं नॉर्मल प्राइसेस पे और उनकी पिक्चर क्वालिटी बहुत बेहतर है। नॉर्मल जो पहले पिक्चर क्वालिटी हमें मिलती थी आम कैमरे से, अब तो जो टेलीविज़न है नॉर्मली सारे वो भी HD रेडी होते हैं। लैपटॉप्स की स्क्रीन और मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन तक जो है ना वो HD क्वालिटी जो डिस्प्ले में मिल रहा होता है। और इसके साथ साथ ये है कि कैमरा ना सिर्फ कैमरे एक सेपरेट चीज़ तक ही नहीं महदूद रहा, बल्कि जो हमारे फ़ोन्स हैं उनमें बिल्ट इन अब कैमरा आना शुरू हो गया और उनकी क्वालिटी भी ऑलमोस्ट उतनी ही अच्छी होती है जितनी हम सेपरेट किसी कैमरा में लेते हैं। यानी नॉर्मल फ़ोन्स में जो कैमरा आते हैं वो 5 मेगापिक्सल क्वालिटी के और 8 मेगापिक्सल क्वालिटी के, और उनकी रिकॉर्डिंग जो है वीडियो रिकॉर्डिंग वो भी HD क्वालिटी तक चली गई है। और ये एडवांसमेंट जो है अभी रुकी नहीं है। अभी जो नई चीज़ आना शुरू हो गई है वो 3D जो मूवीज़ हैं वो आना शुरू हो गई हैं, और 3D मूवीज़ अभी कमर्शियल लेवल पे बन रही हैं और कॉमन होने जा रही हैं। जैसे 3D मूवीज़ कॉमन होना शुरू हो जाएंगी तो HD जो है ये तो उस वक्त तक बिल्कुल बहुत ही कॉमन हो चुकी होगी। थोड़ी सी अगर हमने हिस्ट्री देखनी हो कैमरे की तो ये मैंने कुछ सर्च किए हैं। शुरू शुरू में जो कैमरास हमारे होते थे वो इस तरह के होते थे जो बिल्कुल शुरू में बने थे, और उससे भी अगर पहले हम देखना चाहें तो कॉन्सेप्ट बेसिकली कैमरे का ये है, पिन होल कैमरा जो शुरू में इस फॉर्म में आया। और अगर आज से 20-25 साल पहले जाएं तो हमें याद है कि इस तरह के कैमरास अवेलेबल होते थे शुरू शुरू में। फिर उसके कुछ देर बाद इस तरह की क्वालिटी आना शुरू हो गई। ये वो कैमरा है जिनमें फिल्म डलती थी, बाद में वो डेवलप होकर पिक्चर जो है ना प्रिंट होती थी। और उसके बाद तो अभी तो डिजिटल कैमराज जो हैं बहुत वैरायटी में अवेलेबल हैं। ये सारे डिजिटल कैमराज हैं। डिजिटल कैमराज में ना सिर्फ पिक्चर बना सकते हैं, स्टिल फोटोग्राफी कर सकते हैं आप, बल्कि वीडियो फोटोग्राफी भी होती है और साउंड रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। और एक कैमरे में आप हज़ारों के हिसाब से पिक्चर जो है ना सेव कर सकते हैं। अच्छा, इस टेक्नोलॉजी का एक नुकसान भी है। पहले जो कैमरा इतना कॉमन नहीं था, फोटोग्राफी इतनी सस्ती भी नहीं थी। अभी तो आपके पास कैमरा है, बैटरी, आप जितनी मर्ज़ी पिक्चर्स लें और उनको लैपटॉप पे कंप्यूटर पे कॉपी करें जितनी देर मर्ज़ी रखें। पहले आपको कॉस्ट पे करना पड़ती थी, कैमरा भी कॉस्टली होता था, पिक्चर लेना, डिवेल्प करना और फिर प्रिंट करना, ये सारा प्रोसेस एक तो टाइम लेता था और इसकी कॉस्ट होती थी। अब चूंकि ये सारा कुछ ऑलमोस्ट फ्री हो गया है तो इससे होता यह है कि हम जब भी कहीं बाहर जाते हैं किसी टूर पे या किसी ट्रिप पे या किसी फंक्शन पे तो हम इतनी पिक्चर्स ले लेते हैं कि हमें फिर वो बाद में पता नहीं लगता कि इनमें कौन सी पिक्चर रखनी है कौन सी नहीं रखनी। एट द एंड होता क्या है कि हम पिक्चर्स लेके आ जाते हैं और अक्सर दफ़ा वो
कैमरे में रही डिलीट हो जाती हैं, फॉर्मेट हो जाती हैं, और अगर कॉपी कर भी ली जाएँ किसी ऐसी जगह पे, किसी लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे, तो उनको देखने का टाइम ही नहीं मिलता क्योंकि पिक्चर्स होती इतनी ज़्यादा हैं। तो इस चीज़ को कैसे मैनेज किया जाए, ये सबसे अहम पॉइंट है कि आप पहले तो पिक्चर्स वो लें जो वाकई अच्छी हों, क्वालिटी की हों, जो ज़रूरी हों। और नॉर्मली बंदा जब किसी जगह जाता है तो बहुत सारी पिक्चर्स ले लेता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो अच्छी होंगी वो रख ली जाएंगी, और जो अच्छी नहीं क्वालिटी में अच्छी पिक्चर्स नहीं आएंगी उनको बंदा बाद में डिलीट कर देता है। तो इस चीज़ को प्रॉपर मैनेज करना पड़ता है। अगर इसको मैनेज ना किया जाए तो होगा यही कि जो अच्छी पिक्चर्स होंगी या बुरी पिक्चर्स होंगी वो देखी भी नहीं जाएंगी, वो कहीं इधर उधर हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी, और उनको टाइम ही नहीं मिलेगा देखने का। तो आज इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि एक तो जो पिक्चर्स कैमरे से या वीडियो कैमरे से आपके पास वीडियो क्लिप्स हैं उनको कैसे मैनेज किया जा सकता है, आप उनको कैसे एडिट कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, उनको पिक्चर्स को वीडियो क्लिप्स को इकट्ठा करके उनकी एक मूवी बना लें, जो कि नॉर्मली बेहतर है कि पिक्चर्स आप कहीं सपोज़ आप किसी जगह जाते हैं सैर के लिए तो आपके पास वीडियो कैमरा भी होगा, मूवी कैमरा और स्टिल फोटोग्राफी भी आप करेंगे। जब वापस आएंगे आपके पास कुछ सैकड़ों के हिसाब से स्टिल पिक्चर्स होंगी और कुछ 40, 50, 100 और कुछ ऐसे वीडियो क्लिप्स भी होंगे। अब आप क्या कर सकते हैं, आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करके उन सारी पिक्चर्स को और वीडियो को इकट्ठा करके उनको एडिट कर सकते हैं, जो अननेसेसरी मूवी या पिक्चर्स हैं उनको आप रिमूव कर सकते हैं, पिक्चर्स के ऊपर कमेंट दे सकते हैं, उन पे मुख्तलिफ इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, और इफ़ेक्ट डालने के बाद आप उसको कंपाइल कर सकते हैं एक ही मूवी में। सपोज़ आपके पास 15-20 पिक्चर थी, फाइनल 4-5 वीडियो क्लिप्स थे, आपने उनको एडिट किया, उस पर कमेंट डाले, उसमें आप म्यूज़िक भी डाल सकते हैं, म्यूज़िक डाल के आप उसको आउटपुट सेव कर सकते हैं, उसकी आउटपुट एक मूवी फाइल में। तो जो पहले आपने कई 100 तस्वीरें मैनेज करनी थी और काफ़ी सारे वीडियो क्लिप्स मैनेज करने थे मुख्तलिफ फोल्डर्स में जाके, अब उन सब की जगह आप एक मूवी कंपाइल करके बना लें और वो एक ही मूवी जो है ना वो आप सबके साथ शेयर कर सकते हैं, और आप उसको देखना और मैनेज करना और शेयर करना बहुत इजी हो जाएगा, बजाय इसके कि आप सारी पिक्चर्स को और सारी वीडियो क्लिप्स को सेपरेट अपने पास रखें। तो उस हवाले से हम देखेंगे कि कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, सॉफ्टवेयर तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आपके पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है तो उसके साथ विंडोज़ वालों ने माइक्रोसॉफ्ट ने एक बिल्ट इन ऑपरेटिंग सिस्टम दिया हुआ है जो पिक्चर्स की वीडियोज़ की एडिटिंग में काफ़ी बेसिक लेवल के लिए काफ़ी अच्छा है। ये उन्होंने विंडोज़ XP के साथ देना शुरू किया था, पहले उसका नाम था विंडोज़ मूवी मेकर, और अभी विंडोज़ 7 में उन्होंने इस विंडोज़ मूवी मेकर को विंडोज़ लाइव जो है उनका पैकेज है उसका हिस्सा बना दिया। तो अगर आप मूवी से सर्च करें तो विंडोज़ लाइव मूवी मेकर के नाम से ये प्रोग्राम आपको मिल जाएगा। इसको अगर आप ऑन करें तो ये जो है ना बड़ा लाइट वेट सा टूल है, इसमें ये एक विंडो आपको नज़र आ रही होगी, इस विंडो में आप जो है ना वीडियो प्ले करके देख सकते हैं। ये एरिया जो इस साइड पे, इस पर आप जितनी फाइलें हैं वो इमेज फाइलें हों किसी भी फॉर्मेट में हों या वीडियो फाइलें हों, ठीक है, किसी भी AVI हो, MP4 हों या MW जो भी विंडोज़ वालों का फॉर्मेट है उसमें हो, आप इसमें लेके आ सकते हैं इस यहाँ पे, और फिर इनको आप यहाँ से जो है कंबाइन कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, वीडियो क्लिप्स आप उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, आप इसमें म्यूज़िक इनमें अटैच कर सकते हैं, और यहाँ से आप टाइटल और क्रेडिट्स डाल सकते हैं, मुख्तलिफ पिक्चर्स के ऊपर आप कमेंट्स दे सकते हैं, कैप्शंस डाल सकते हैं, और रोटेट कर सकते हैं पिक्चर्स ऊपर नीचे। अगर कोई पिक्चर्स आपने कैमरा दूसरी तरह एंगल से लिया हुआ तो आप उसको रोटेट करके सीधा करना, आप यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, और फिर यहाँ से आप एनिमेशन डाल सकते हैं। अगर एक क्लिप ख़त्म होने के बाद दूसरा क्लिप कैसे शुरू हो, किस एनिमेशन के थ्रू शुरू हो, फिर आप विजुअल इफ़ेक्ट्स भी डाल सकते हैं, ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, और जूम थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वाइड स्क्रीन या स्टैंडर्ड स्क्रीन जो एस्पेक्ट है वो आप सेट कर सकते हैं जो मूवी का। तो सबसे पहले तो आपके पास जो मेन चीज़ होनी चाहिए वो ये कि आपने कौन सी पिक्चर्स या कौन सी मूवीज़ जो हैं जिनको आपने इसमें मैनेज करना है, जिनको आपने कंपाइल करना है, एडिट करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं खोल लेता हूँ कुछ पिक्चर, पिक्चर्स 2011। अच्छा, तो अब इस फोल्डर में मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं और कुछ मूवीज़ भी हैं, मूवी क्लिप्स भी हैं, ये वाले मूवी क्लिप्स भी पड़े हुए हैं और
काफ़ी सारी पिक्चर्स हैं। अब एक तो तरीका ये है कि मैं इन सबको सेलेक्ट करूँ। अब सेलेक्ट करने के लिए मैंने कंट्रोल ए प्रेस किया तो ये सारी फाइलें सेलेक्ट हो गई। अगर मैंने इनमें से कुछ सिलेक्टेड पिक्चर सेलेक्ट करनी थी तो मैंने ये कंट्रोल और माउस के थ्रू कंट्रोल का बटन मैंने प्रेस किया हुआ और जो जो पिक्चर मैंने सेलेक्ट करनी है उस पर जाकर मैं माउस क्लिक कर रहा हूँ, वो सिलेक्ट हुए जा रही है। एक तरीका ये है, मैंने सारी करनी, मैंने कंट्रोल ए प्रेस किया, ठीक है सारी पिक्चर होगी। मैंने इनको यहाँ से मैं दिखा रही, तो इनको मैंने यहाँ से इस एरिया में ड्रॉप करना है, इस एरिया में। अच्छा, एक तो मैं इनको सेलेक्ट करके ड्रॉप कर सकता हूँ, दूसरा तरीका ये है कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये खुद ही मुझसे पूछेगा कहाँ से उठानी है पिक्चर, तो मैं यहाँ से ब्राउज करके भी लेके आ सकता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो भी वो मेरे से ये पूछ रहा है कि कौन सी वीडियोज़ या पिक्चर इसमें ऐड करनी है। और अगर पिक्चर्स या वीडियोज़ अभी इस कंप्यूटर पे या इस लैपटॉप पे नहीं है तो मैं यहाँ से मेन्यू से जाकर इम्पोर्ट फ्रॉम डिवाइस भी कर सकता हूँ। उस केस में यह है कि सबसे पहले मुझे अपना कैमरा या फ़ोन या जिस भी पिक्चर्स हैं वो डिवाइस में अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ अटैच करूँगा और फिर मैं यहाँ से इम्पोर्ट कर लूँगा, वो फिर सीधी इधर आ जाएगी। लेकिन ये तो मुख्तलिफ ऑप्शन है हमारे पास, तो ये सारी पिक्चर जहाँ पर पड़ी है तो मैंने इनको सेलेक्ट किया और यहाँ पर ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ड्रॉप कर दिया है, अब ये सारी पिक्चर यहाँ पर लिस्ट होगी। इनमें से कुछ सपोज ये वाली पिक्चर जो है मैं नहीं रखना चाहता, मैं उनको डिलीट कर सकता हूँ। आपने जो पिक्चर रखनी है वो रखें, जो आपको अननेसेसरी लग रही है आप उसको डिलीट कर दें, सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट। कोई और ऐड करनी है आप कोई और कहीं और फोल्डर से भी ला सकते हैं, ये भी सपोज मैं डिलीट। अब इसमें कुछ पिक्चर आगे पीछे मैंने करनी है, फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि ये वाली पिक्चर सबसे ऊपर चली जाए, तो मैं इसको ऐसे ड्रॉप ड्रैग ड्रॉप करके इसकी पोजीशन यहाँ पे सेट कर सकता हूँ, ठीक है। ये सपोज मैं ये वाली वैसे ही रिमूव कर देता हूँ, डिलीट सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं। और मैं चाह रहा हूँ ये वाली पिक्चर भी ऊपर ले जाऊँ मैं सारी, ठीक है। इस तरह से मैं सारी सीक्वेंसिंग सेट कर सकता हूँ कि मेरी जो मूवी बनेगी उसमें ये पिक्चर किस किस जगह पे आएंगी। तो ओके, अच्छा अब सपोज़ मैंने मूवी के शुरू में, अब मैं चाह रहा हूँ कि पहले ये पिक्चर आए, उसके बाद ये पिक्चर आए, फिर ये आए, फिर ये आए, और उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि ये तीन पिक्चर जो है ना ये वाली आए यहाँ पे, मैं इनको ले आता हूँ इधर, और ठीक हो गया, ये हो गया। अब ये पिक्चर जो है ये देखें साइड वाइज, मैंने इसको रोटेट करके सीधा करना, मैं यहाँ से रोटेट कर सकता हूँ, मैं किसी तरफ भी किसी पिक्चर को रोटेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको रोटेट करके इसका एंगल जो है ना वो सीधा कर दिया। अगर इसी तरह की और पिक्चर आपने बड़ी इस तरह रोटेट करनी है आप उसको रोटेट कर सकते हैं। अब ये एक चीज़ यहाँ पर ये जूम लेवल दे रहा है, क्योंकि हर पिक्चर जो है ना ये ख़ास टाइम तक रन होगी, तो उस हवाले से ये मूवी है तो मूवी की लेंथ शो करेगा। अगर आपने इसको फोकस बड़ा करते जाएं तो ये देखें जो मूवीज़ हैं उनको उसने, अब ये मूवी यहाँ से स्टार्ट होगी यहाँ पे एंड होगी। अगर मैं इस मूवी को जाकर देखना चाह रहा हूँ इस मूवी में है क्या, मैं ये कर्सर इस पर लेके जाऊँगा, इसको मैं ऐसे भी मूव कर सकता हूँ माउस के थ्रू, और वो देखें मुझे दिखा रहा है कि इस मूवी में क्या क्या हो रहा है, तो मैं ऐसे देख सकता हूँ कि इस मूवी में है क्या। और अगर मैंने इसको प्रॉपर प्ले करना है, मैं कर्सर इस पर छोड़ूंगा और यहाँ से आके प्ले का बटन प्रेस करूँगा तो ये देखिए मूवी प्ले करके दिखा रहा हूँ, इस मूवी में है क्या, ठीक है। मैं यहाँ से स्टॉप कर सकता हूँ, ये अगला क्लिप मैंने देखना है, मैं उस पर कर्सर ले गया और मैं उसी तरह उसको भी प्ले करके देख सकता हूँ, ठीक है। और मैं ऐसे भी आगे पीछे उसको क्विकली भी देख सकता हूँ कि इसमें है क्या। और फॉर एग्जांपल इस मूवी में मैंने ये नोट किया है कि ये जो पार्ट है इतना ये एक्स्ट्रा है, मैं इसको अपनी मूवी में फाइनल मूवी में इंक्लूड नहीं करना चाह रहा, तो सपोज़ मैं यहाँ से शुरू करना चाह रहा हूँ अपनी मूवी, ये जो ये वाला इतना पार्ट है वो मैंने इसको शामिल इंक्लूड नहीं करना अपनी फाइनल मूवी में, तो मैं इस पर जाके राइट क्लिक करूँगा और मैं सेट एज स्टार्टिंग पॉइंट कर दूँगा, तो वो जो पहले वाला पार्ट था वो उसने रिमूव कर दिया। इसी तरह अगर मैं ये देख रहा हूँ कि ये एंड पे जो पार्ट है
फॉर एग्जांपल ये थोड़ा सा पार्ट मैं डिस्प्ले नहीं करना चाह रहा, तो ये इतना पार्ट मैंने रिमूव करना, मैं इस कर्सर पे जाऊंगा और इसको कहूंगा कि सेट एज एंड पॉइंट, तो वो इस मेरे जो पॉइंट तो सिलेक्टेड था उसको उसने एंड पॉइंट कर दिया, जो इससे एक्स्ट्रा मूवी थी वो उसने रिमूव कर दिया। ठीक है, अब इसका मैंने एंगल सेट कर दिया, ये ठीक हो गया। और अब सपोज इस पिक्चर पे मैंने कोई कमेंट देना, या कमेंट देने से पहले सबसे पहले मैं मूवी का जो है ना वो टाइटल देना चाह रहा हूँ शुरू में, तो मैं कह सकता हूँ दिस वीडियो शोज पिक्चर्स टेकन ऑन पिक्चर्स टेकन एट नियाग्रा फॉल्स। ठीक है, अब ये मैंने टेक्स्ट यहाँ पे सेट किया, इस टेक्स्ट को मैं बड़ा छोटा कर सकता हूँ, मैं इसकी फॉन्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ये फॉन्ट जो है ना सपोज मैंने ये कमरिया फॉन्ट सेलेक्ट किया, तो ये वाली फॉन्ट आ गई है, इसका मैं साइज़ भी बड़ा छोटा कर सकता हूँ। ठीक है, जितना साइज़ बड़ा करना है, और ये मैं इसका इसको इटैलिक बोल्ड या जो भी करना है वो कर सकता हूँ। मैंने इस साइड से शुरू करना है, मिडिल में रखना है, इस साइड पे रखना है टेक्स्ट, ये मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ। ट्रांसपेरेंसी लेवल ये है कि अगर ये टेक्स्ट इसके पीछे पिक्चर हो या वीडियो हो तो ट्रांसपेरेंसी लेवल आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, कि आपकी पीछे वाली पिक्चर कितनी नज़र आए और उसके ऊपर ये टेक्स्ट कितना नज़र आए। ठीक है, अगर मैं यहाँ कर दूँगा तो ये टेक्स्ट बिल्कुल डिम नज़र आएगा और इसके पीछे जो पिक्चर होगी वो ज़्यादा नज़र आएगी। इस अभी तो चूंकि इसके पीछे पिक्चर है नहीं, तो मैं ट्रांसपेरेंसी लेवल जो है ना बिल्कुल मिनिमम रख देता हूँ। और उसके अलावा मैं टेक्स्ट के साथ क्या कर सकता हूँ, टेक्स्ट एडिट, ठीक है, कट कॉपी पेस्ट करके भी आप चीज़ें यहाँ पे ला सकते हैं। और ये जो है ना ये इसका टाइम ड्यूरेशन है कि ये वाला टेक्स्ट कितनी देर डिस्प्ले होगा, ये अभी 5 सेकंड तक डिस्प्ले होगा। अगर मैंने इसको 8 सेकंड तक डिस्प्ले करना है तो ये 8 सेकंड तक डिस्प्ले होता रहेगा। ठीक है, अब इसको टेस्ट करना है, ये कर्सर यहाँ पे देखें, ये इसका कर्सर है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये ऐसे डिस्प्ले होगा, तो ये देखें ये वीडियो ऐसे आएगी। और इधर देखें अभी अगली पिक्चर आ गई, उसके बाद फिर ये देखें, इसके बाद फिर ये अगली पिक्चर आ गई। अभी आप जब पिक्चर स्विच होगी तो आप देखेंगे पिक्चर जो है ना सडनली अचानक दूसरी आ जाती है। अब मैं अगर ये नहीं चाहता, मैं इसमें कुछ स्टाइल डालना चाह रहा हूँ कि इस पिक्चर जब ये पिक्चर शुरू हो तो किस इफेक्ट या कौन सी एनिमेशन से शुरू हो। अगर ये देखें, ये मुख्तलिफ एनिमेशन है, मैं ये डाल सकता हूँ, इसका प्रीव्यू मुझे दे रहा है कैसे पिक्चर जो है ना आगे वाली आएगी, तो उसमें काफ़ी सारे स्टाइल दिए हुए हैं। अगर मैं ये देखें, ऐसे भी दे सकता हूँ, ये वाला स्टाइल दे सकता हूँ, ये वाला दे सकता हूँ, और ये वाला भी दे, सपोज मैं ये वाला स्टाइल दे देता हूँ। ठीक है, ये है डिजॉल्व इफेक्ट, इस पर मैंने कोई और इफेक्ट देना है। ठीक है, इस पर मैं ये वाला इफेक्ट दे देता हूँ, और साथ ही ये पिक्चर जब आएगी तो वो थोड़ी सी अगर मैंने मूव होती दिखानी है, फॉर एग्जांपल मैं ये इफेक्ट दूंगा तो वो पिक्चर जैसे डिस्प्ले होगी तो थोड़ा थोड़ा मूव भी हो रही होगी। ये देखेंगे मूव भी हो रही है। अब ये पिक्चर जो है इस पर मैं इफेक्ट जो है फॉर एग्जांपल ये वाला दे के, तो यहाँ से मैं इसको ये ऐसे ऊपर नीचे होती हुई या ऐसे होती हुई बड़ी होती हुई भी नज़र आएगी। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ इफेक्ट में हर पार्ट, अब ये पिक्चर है इसकी जगह वीडियो क्लिप होगा, मैं उस पर भी इसी तरह इफेक्ट दे सकता हूँ, तो मैं हर पार्ट के ऊपर जो है ना अपने इफेक्ट डाल सकता हूँ। मैं अगर मैंने मल्टीपल पार्ट सेलेक्ट किए हैं, उन मल्टीपल पार्ट्स को सिलेक्ट करके मैं उन सारे पे कोई एक स्टाइल दे सकता हूँ। ठीक है, सपोज इन पे मैंने ये स्टाइल दे दिया है और इनको मैंने सेलेक्ट किया पिक्चर्स को, इनको मैंने कोई और डिफरेंट स्टाइल जो भी आप देना चाह रहे हैं, मैंने ये स्टाइल दे दिया और साथ में मैंने ये भी दे दिया। ठीक है, तो अब जैसे ही ये सारी पिक्चर्स मूव होंगी तो मैं प्ले करूँगा, तो आप जो भी इस पर चीज़ अप्लाई करें उसको आप फौरन टेस्ट कर सकते हैं प्ले करके। ठीक है, कि फ़ाइनल मूवी में आउटपुट कैसी आ रही होगी। अच्छा, ये तो होगा मुख्तलिफ स्टाइल्स। ठीक है, अगर मैंने सब पे एक ही स्टाइल देना है तो मैं सबको सिलेक्ट करके कोई एक स्टाइल दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल या सब पे एक नहीं देते, ये जो बाकी रह गए हैं इन सब पे कोई स्टाइल दे देते हैं। ठीक है, अब इनको मैं सिलेक्ट, मैंने कंट्रोल की प्रेस की हुई है और मैं
दूर हो गई, कंट्रोल की और फिर माउस प्रेस के साथ मैं इसको सिलेक्ट किए जा रहा हूँ। ठीक है जी, अब ये वीडियो भी आ गया, मैं वीडियो को भी साथ सिलेक्ट कर लिया है, अब ये वीडियो भी सिलेक्ट हो गई है और उसके बाद कोई पिक्चर्स हैं, हाँ ये दो पिक्चर्स हैं उनको भी सिलेक्ट कर लिया। अब इन सब पे मैं जो स्टाइल दे देता हूँ, मैं वो ये वाला डिजोल्व स्टाइल दे के और ये वाली चीज़ दे देता हूँ। ठीक है, अब ये तो इफ़ेक्ट आ गए इनके कि उस पर कौन सी एनिमेशन अप्लाई होनी है। ठीक है, इसी तरह आप विजुअल इफ़ेक्ट्स भी दे सकते हैं मुख्तलिफ पिक्चर्स पे। ठीक है जी, ये ब्लैक एंड वाइट हो गया, अगर आपने किसी पिक्चर को ब्लैक एंड वाइट करना है तो मैं ये इफ़ेक्ट दे दूँगा। ठीक है, अगर मैंने इसको ये इफ़ेक्ट डाल दिया है, इसको डाला था हमने, ओके, और ये वाला इफ़ेक्ट भी है, ये देखें ये थोड़ा सा ब्लैक एंड वाइट नहीं करता लेकिन ये थोड़ा सा इस कलर में कर देता है, और एक ये इफ़ेक्ट है। ठीक है, तो जो भी आप इफ़ेक्ट देना चाहें, आप ब्राइटनेस जो है ना कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी पिक्चर की वो भी कंट्रोल कर सकते हैं। एनिमेशन आपने देख ली, फिर एनिमेशन की एक चीज़ के इस पे हमने एनिमेशन जो अप्लाई की है ये कितनी ड्यूरेशन तक आएगी, एक सेकंड तक, अगर आपने एनिमेशन की ड्यूरेशन बढ़ानी है, एनिमेशन की ड्यूरेशन, तो आप वो भी बढ़ा सकते हैं। ये पिक्चर की ड्यूरेशन नहीं, ये एनिमेट जो पिक्चर ने करना है शुरू में, ये देखें ये चीज़ जो है ना, ये बॉक्स जो नीचे बन रहा है ये वाला, ये बता रहा है कि इस पिक्चर पर एनिमेशन लगी हुई है। अब इसकी एनिमेशन जो है ना ये एक सेकेंड तक प्ले होगी, इसकी चूँकि मैंने बढ़ा दी है ये 2 सेकेंड तक प्ले होगी, तो आप देख लें, ये देखें ये अब स्लो स्लो 2 सेकंड लगाए इसने एनिमेशन प्ले होने में, अगली पिक्चर की 1 सेकंड में जल्दी प्ले हो जाएगी। अच्छा, एनिमेशन अप्लाई हो गई, अब आते हैं, हमने शुरू में टेक्स्ट भी लिख दिया, अब इस टेक्स्ट की लेंथ मैंने जो है ना वो बढ़ा दी थी, ठीक है, इसकी मैंने 8 सेकंड की थी और मैं इसको दोबारा 4 या 5 सेकंड कर देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल मैं 4 कर देता हूँ क्योंकि ये अगले क्लिप पे जा रही है, मैंने अगले क्लिप पे और को कमेंट देना है। तो अगर मैंने इस क्लिप, जब मैं चाह रहा हूँ कि जब ये पिक्चर या ये वीडियो क्लिप अगर यहाँ पे हो, ये शो हो, तो मैं उस पर कोई ख़ास टाइटल देना चाह रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह देता हूँ कि जी वॉर्म वेलकम टू कैनेडा बाई काबली लाओ एंड चपली कबाब। ठीक है, तो अच्छा नहीं, ये तो आगे हमने अप्लाई नहीं करना था। ठीक है, इस पर करना थी कैप्शन अप्लाई करनी थी, हाँ मैंने टाइटल अप्लाई कर दिया था, सॉरी, टाइटल जो है वो मूवी के शुरू में आता है। अच्छा, अब अगर आपने किसी क्लिप के ऊपर कोई टेक्स्ट अप्लाई करना हो तो फिर आप ये जो है ना कैप्शन अप्लाई करेंगे, तो आप कैप्शन ये देखें इस पे नज़र आ रही है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ए वॉर्म वेलकम बाई काबली लाओ एंड चपली कबाब। ठीक है, तो ये अब इसकी मैं उसी तरह से टेक्स्ट बड़ा छोटा कर सकता हूँ, मैं सिलेक्ट करके टेक्स्ट मैंने बड़ा करना है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर सकता हूँ, फॉन्ट चेंज करना है। ठीक है, और फॉन्ट का कलर भी यहाँ कहीं होना चाहिए, अच्छा अगर चलें वो देखते हैं कहाँ, फॉन्ट का कलर भी यहीं कहीं होगा अगर चेंज करना। अब मैं इसको यहाँ से ड्रैग ड्रॉप करके भी लेके आ सकता हूँ कि यहाँ पे मैंने सेट करना है ये पिक्चर दोनों के मिडिल में आए, या इस पिक्चर्स के शुरू होते ही यहाँ से शुरू हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ। अब मैं इसको प्ले करके देख सकता हूँ, ये देखें जैसे ये प्ले हो रहा होगा तो ये ऐसे टेक्स्ट आएगा। ठीक है, और अब मैंने अगर इसको इस पिक्चर पे भी देना है कमेंट, तो मैं इस पे जाऊंगा, कैप्शन अप्लाई करूंगा, नेक्स्ट चैलेंज वॉज हाउ टू चार्ज माई गैजेट्स विद आउट द लोकल अडाप्टर। ठीक है जी, ये मैंने इस पर कमेंट दे दिए, अब ये कमेंट भी 3 सेकेंड्स तक रहेंगे, अगर मैंने इसका टाइमिंग बढ़ाना है तो मैं टाइमिंग बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं ड्रैग ड्रॉप करके पीछे लेके आ सकता हूँ,
अच्छा, अब मैं यहाँ से भी ड्रॉप कर सकता हूँ और मैं इसका स्टार्ट टाइम यहाँ पर भी मेंशन कर सकता हूँ। ये स्टार्ट टाइम जो है मूवी के मूवी के कितने सेकंड्स बाद, अभी यहाँ पे मूवी जो है ना वो 8 सेकंड की होगी, यानी 4 सेकंड ये वाला क्लिप, 4 सेकंड ये वाला क्लिप, और ये 8वां सेकंड यहाँ से शुरू हो जाएगा, 9वां सेकंड शुरू हो जाएगा। तो मैं यहाँ से ड्रॉप कर रहा हूँ तो वो देखिए ये सेकंड खुद ही चेंज कर रहा है। लेकिन अगर मुझे पता है एब्सोल्यूट के जी ये मूवी जो है ना 8 सेकंड पे जाके स्टार्ट से 8 सेकंड के बाद डिस्प्ले हो, तो मैं इसको यहाँ पे टाइप करके भी दिखा सकता हूँ, फिर खुद ही इसी लोकेशन पे ले जाएगा। इस पे मैंने कोई इसी तरह कैप्शन देनी है, तो मैं कह सकता हूँ एंड देन ए स्नोई नाइट, ठीक है। अब इससे ये हो रहा था जब मैं इस मूवी को देखूँगा फॉर एग्जांपल यहाँ से, तो बहुत सी चीज़ें मुझे जो है ना वो खुद ही याद आती जाएंगी कि अच्छा ठीक है ये काबली पुलाव चपली कबाब कहाँ पे खाया था, मैं उसकी डिटेल भी यहाँ पे थोड़ी बहुत लिख सकता हूँ, ठीक है। इस पिक्चर को देखते मुझे फ़ौरन पता लगेगा क्या किया था, अच्छा इससे मुझे पता स्नोई नाइट के स्नो पड़ी थी इस रात को। इस तरह के जितने कमेंट्स हैं जो आपकी मूवी को जो है ना वो हो सकते हैं हेल्पफुल, जो बंदा उसको देख रहा हो आप यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस पिक्चर पे मैं लिख सकता हूँ कि जी गेटिंग रेडी फॉर नियाग्रा फॉल्स, ठीक है। अब मैंने ये लिख दिया, अब इस पिक्चर को देख के पता चल जाएगा कि जी ये नियाग्रा फॉल। अब इसकी ड्यूरेशन मैं यहाँ पे 3 सेकंड्स दे देता हूँ, ठीक है। और अगर मैंने एक क्लिप यहाँ से मैं कॉपी भी कर सकता हूँ, मैं इसको कंट्रोल सी करके यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है, कॉपी पेस्ट। अच्छा ये उधर ही पेस्ट हो जा रहा है, इसको फिर मैं ड्रैग कर लूँगा यहाँ से। हाँ ये 2-3 पेस्ट हो गए जितनी मैंने ट्राई की, ठीक है जी, ओके। अब मैं इसको इसके ऊपर मैंने कमेंट लिखना है, तो मैं चूंकि ये कॉपी किया था तो उस पर वही टेक्स्ट आ रहा है। अब मैं इस पर डिफरेंट टेक्स्ट लिख सकता हूँ, वेयर एवरी थिंग इज फ्रीजिंग, कि भी हम नियाग्रा फॉल के लिए रेडी हो रहे हैं, जहाँ पर हर चीज़ ही फ्रीज हो रही है। आप इस तरह से जितने आपने देने हैं कमेंट दे दें, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये नियाग्रा फॉल्स की पिक्चर जब डिस्प्ले होंगी, इसके आपने कोई पिक्चर देना है तो कमेंट देना है वो दे सकते हैं। अच्छा जो भी इस तरह के आप सारे आपने जो फाइनल करने हैं कर लिए, आप आखिर पे एंड पे आपने अगर मूवी के एंड पे आपने कोई क्रेडिट्स देने हैं तो आप क्रेडिट्स भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकता हूँ थैंक्स टू माई फ्रेंड अमजद जमाल हु मैनेज्ड माय विजिट टू नियाग्रा फॉल्स, ठीक है। जो भी आपने इस तरह करंट देने वो आप कुछ भी देना चाहें वो आपने लिखना लिखा। अच्छा अब सारा कुछ करने के बाद जो अब आपको फाइनल हो जाए कि जी हर चीज़ रेडी है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले तो जो काम पहले कर लेना चाहिए था ये था कि इस प्रोजेक्ट को सेव करें, ठीक है। प्रोजेक्ट से मुराद ये है कि अब इसमें कितनी पिक्चर्स डाली हुई हैं, उस पर कौन कौन सा टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसमें कौन कौन से स्टाइल्स एनिमेशन डाली हुई हैं, ये सारा कुछ जो है ना वो एक प्रोजेक्ट में सेव कर लेते हैं। तो मैं इस पर ट्रिप दे देता हूँ, कैनेडा ट्रिप प्रोजेक्ट, ठीक है। प्रोजेक्ट का फ़ायदा ये होगा कि फॉर एग्जांपल अभी मैंने इस पे और काम करना है और मुझे कहीं जाना पड़ रहा है, मैंने कंप्यूटर बंद करना है, तो मैं इसको बंद करूँगा, ठीक है। और सपोज़ नेक्स्ट डे मैंने आना या जब भी मुझे दोबारा टाइम लगेगा, मैं दोबारा मूवी मेकर चलाऊँगा, मूवी जो है वो जो सॉफ्टवेयर है, अब उसमें मैंने सारा कुछ वैसे का वैसे ही खोलना है, तो मैं जाके प्रोजेक्ट जो है ना ओपन प्रोजेक्ट करूँगा और ये वाला प्रोजेक्ट ओपन कर लूँगा। तो वो प्रोजेक्ट क्या करेगा वो देखूँ, वो सारा कुछ जो मेरा उसने सेव कर लिया था कि कौन सी पिक्चर्स मैंने इस प्रोजेक्ट में रखी हुई हैं, उस पर क्या क्या टेक्स्ट डाला हुआ है, कौन कौन से टेक्स्ट डाले हैं, वो वैसे का वैसे ही खोल के लिएगा। अगर मैं इसको एज अ प्रोजेक्ट सेव नहीं करता और किसी वजह से ये बंद हो जाता है, लैपटॉप की बैटरी फिनिश हो जाती है, अचानक बंद हो जाता है, ख़राब हो जाता है, क्रैश कर जाता है ये प्रोग्राम, तो मुझे दोबारा से सारी एफर्ट दोबारा करनी पड़ेगी। और उस एफर्ट से मुराद ये है कि सारी पिक्चर्स मुझे दोबारा इसके अंदर इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, उन पे सारे इफेक्ट्स डालने पड़ेंगे, जितने मैंने टाइटल्स या कैप्शंस डाली हुई वो दोबारा से डालनी पड़ेंगी। तो उससे बेहतर यह है कि आप जितना काम करते जाएँ उसको साथ साथ एज ए प्रोजेक्ट जो है ना सेव करते जाएँ,
अब मैंने चूँकि प्रोजेक्ट सेव कर लिया, अब मैं इसमें कोई भी चेंज करूँगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको इधर कर दिया है, वो मैं इसको सेव कर दूँगा, अब वो प्रोजेक्ट मेरा सेव है। जब आपका ये सब कुछ कंप्लीट हो जाए तो एंड पे आपने क्या करना है, आपने इसकी ये जो ऑप्शन है सेव मूवी, अब सेव मूवी में बहुत सारी ऑप्शन दे रहा है कि आपने मूवी की जो आउटपुट है वो किस फॉर्मेट में सेव करनी है। ये ऑप्शन है कि हाई डेफिनेशन 1080 पिक्सल, इसकी क्वालिटी काफ़ी बेहतर होगी। फिर आपने डीवीडी बर्न करनी है, यानी ये जो मूवी जो है आप पूरी मूवी आप यहाँ से देख सकते हैं शुरू से। अभी ये मूवी जो है 4 मिनट एंड 28 सेकेंड्स की बनी है और आप इस सारी मूवी को यहाँ पर प्रीव्यू कर सकते हैं कि ये मूवी कैसी आएगी जब ये फाइनल कंपाइल होगी। तो ये देखें इस तरह से मूवी प्ले होगी शुरू से एंड तक, ठीक है। और आपको अगर इसमें इसी तरह अगर आपने इसको ड्रैग करके आगे पीछे लेके जाना तो आप यहाँ से ड्रैग करके इसको ले जाएँ, वहाँ से देख लें, वहाँ से देख लें, ठीक है। और आगे लेके जाना है इसको यहाँ से पकड़ के, तो जिधर आपने इसको लेके जाना है इधर ले जाएँ, ठीक है। तो इस तरह से आप सारी मूवी जो आपने पिक्चर और वीडियो देख कर लिए, देखिए वीडियो क्लिप शुरू है इसकी साउंड भी ऑटोमेटिकली आ गई। अच्छा, एक चीज़ जो हमने अभी तक नहीं बताई वो ये है कि इस वीडियो क्लिप की जो साउंड आ गई है इन पिक्चर्स पे कोई साउंड नहीं है, और अगर आपने कोई साउंड ऐड करनी है तो आप यहाँ से जाके ऐड म्यूज़िक जो है ना वो डालें, ठीक है। अब ऐड म्यूज़िक एट द करंट पोजिशन, आपने अगर किसी खास लोकेशन से म्यूज़िक डालना है कि अगर आप चाह रहे हैं कि जी शुरू में म्यूज़िक ना आए, सिर्फ इस क्लिप से म्यूज़िक शुरू हो, इस पहले क्लिप से, तो आप इसको यहाँ पे ले जाएं और आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करें कि ऐड म्यूज़िक एट करंट पोजिशन, कि इस करंट पोजिशन से म्यूज़िक ऐड हो, इससे पहले म्यूज़िक ना आए, ठीक है। लेकिन अगर आपने शुरू से डालना है तो ऐड म्यूज़िक कर दें। म्यूज़िक करने के बाद आपसे पूछेगा कि कौन सी फाइल है, तो आपके पास कोई म्यूज़िक की फाइल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाली फाइल सेलेक्ट कर देता हूँ। अब ये देखें, ये ऊपर उसने ग्रीन रंग की जो बार डाली है ये म्यूज़िक है सारा, ठीक है। तो ये सारी मूवी को उसने म्यूज़िक। अब और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ कि ये देखें यहाँ तक तो पिक्चर्स हैं, ये देखो पिक्चर्स की अपनी तो कोई साउंड नहीं है, तो जो मैंने म्यूज़िक डाला वही आ रहा है। तो जैसे पिक्चर फिनिश होंगी वो ये मूवी क्लिप पे आएगा, तो मूवी क्लिप पे वो कोई साउंड म्यूज़िक कर देना चाहिए, मैंने जो म्यूज़िक मैंने डाला वो भी आ रहा है, जो मूवी क्लिप का वो भी आ रहा है। और आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं कि जी किस मूवी क्लिप की साउंड किस तरह से आए, ठीक है। ये देखें, ये जो है ना म्यूज़िक वॉल्यूम भी आप बता सकते हैं कि जी म्यूज़िक का वॉल्यूम कितना हो, आप इसको थोड़ा बहुत कर सकते हैं। आप चाह रहे हैं कि जो मेरी ओरिजिनल मूवी है उसकी उसकी वीडियो उसकी वॉइस जो है उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो, तो मैं इसको 50-50 कर सकता हूँ, ठीक है। या इधर करता जाऊँगा तो जो म्यूज़िक डाला उसका वॉल्यूम कम होगा, उसकी अपनी जो वॉल्यूम है वीडियो की वो ज़्यादा हो जाएगी। अगर मैं बिल्कुल इधर कर देता हूँ तो वो मेरा म्यूज़िक जो आप डाला है उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा और उसका कम। तो आप इसको 50-50 जहाँ पे एडजस्ट करना आप उसको वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। म्यूज़िक डाल के उसकी साउंड का वॉल्यूम भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो अभी दोनों हाथ आ रहा है, म्यूज़िक भी आ रहा है और जो है वॉइस वो भी आ रही है। तो म्यूज़िक भी डाल दिया आपने, इफेक्ट्स भी डाल दिए उनको मिक्स करने के, टाइटल और कॉमेंट्स भी डाल दिए। अब हम गए थे कि सेव करने पर। अच्छा, सेव हाई डेफिनेशन करना है, डीवीडी बंद करनी है, या हाई डेफिनेशन ये 720 पिक्सल्स पर लाइन होते हैं, ये 180 पिक्सल्स पर लाइन है, ये वाइड स्क्रीन 480 पिक्सल्स है। स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो है नॉर्मल क्वालिटी, अगर आपने ये वीडियो किसी मोबाइल फ़ोन पे छोटे साइज़ की बनानी तो ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। अगर आपने किसी को ईमेल करनी है या इंस्टेंट मैसेजिंग करनी है तो ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो सबसे कम साइज़ की मूवी जो है ना बनाएगा। लेकिन अगर आपको क्वालिटी चाहिए, साइज़ डजंट मैटर, ठीक है। स्टोरेज आपको पता है कि आपने ये मूवीज बना के अपने कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे या आपकी स्टोरेज डिवाइस है उस पर कॉपी करनी है तो आप बेस्ट क्वालिटी पे जाएँ, ठीक है। इसमें सेव करें या इसमें सेव कर लें सर, हाई डेफिनेशन में। अच्छा, अगर आप हाई डेफिनेशन में करेंगे तो इसकी प्रोसेसिंग में काफ़ी टाइम लगाएगा। हो सकता है मैं ये जो मूवी जो 4-5 मिनट की है इसको मैं हाई डेफिनेशन पे करूँ तो हो सकता है ये आधा घंटा इसको प्रोसेस करता रहे, तो ये चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए। और फिर जो साइज़ इस मूवी का बनाएगा वो मे बी मोर देन 100 MB हो, और मोर देन 100 MB अगर आपने किसी को ट्रांसफ़र करना है तो वो भी टाइम लेगा। YouTube पे अपलोड करना है तो वो भी आप चेक कर लें कि आपका YouTube पे जो आपका अकाउंट है उस पर कितनी आपके पास लिमिट है। अक्सर जो शुरू के YouTube के अकाउंट्स
होते हैं या होते थे उस पर आप 10 मिनट से ज़्यादा की मूवी और मेरे ख्याल में कुछ फिक्स साइज था उससे ज़्यादा नहीं अपलोड कर सकते। लेकिन जब अभी मेरे अकाउंट में तो आधे घंटे से ज़्यादा अभी घंटे की भी वो अलाउ कर देते हैं और साइज भी मैटर नहीं करता। तो आप अपना यूट्यूब का अकाउंट भी चेक कर लें और उसके हिसाब से देखें, और अगर आपको ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन है तो आप इस मूवी को दो हिस्सों में भी कर सकते हैं। यानी आप देख लें कि दो मिनट की मूवी यहाँ तक जो है ना एक क्लिप सेव कर लें और उसके बाद अगला जो है ना दूसरा क्लिप सेव कर लें। तो आप मूवी सेव करें, फॉर एग्जांपल मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट कर देता हूँ और अब वो मुझे से पूछेगा कि कहाँ पर मूवी सेव करनी है। तो मैं कैनेडा ट्रिप कंपाइल, ठीक है, मैं कह देता हूँ कि ये, और मैं साथ में अगर मैंने इसको हाई डेफिनेशन मैं इसको लिख देता हूँ, तो मैंने सेव कर दिया है। अब ये इसको सेव करने चला जाएगा, ठीक है। अब इसको सेव करने में अब काफ़ी टाइम लगाएगा, अभी 1% 2% हुआ, लेकिन इसके बाद ये आपके पास है कि आपकी जो है ना एक आउटपुट बन जाएगी, एक मूवी फाइल बन जाएगी जिसकी क्वालिटी भी हाई डेफिनेशन है। आप उसको अपने मोबाइल फ़ोन पे भी कॉपी कर सकते हैं, अगर आपने किसी को दिखाना है आप यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं, आप सीडी में भी किसी को कॉपी करके डीवीडी में कॉपी करके ये फाइल दे सकते हैं किसी को, या अपने लैपटॉप पे कंप्यूटर पे रख सकते हैं शेयर करने के लिए। तो अब एक फ़ाइल को मैनेज करना जो है ना बहुत ईजी है, बजाय इसके कि आपके पास 100-200 इमेजेस हों या वो सारा कुछ हो, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी सारी जो फाइलें हैं ना वो कंपाइल होने के बाद एक आउटपुट बन जाएगी और आप एक फाइल जो है ना सेव कर लेंगे। और दूसरा, ऑब्वियसली आपने देखा कि आप इस काफ़ी इंटरैक्टिव, आप अपने कमेंट्स डाल सकते हैं पिक्चर्स को, उसकी ब्राइटनेस इफेक्ट्स बहुत सारे डाल सकते हैं, उनको कैसे आपस में लिंक अप करना है, एनिमेशन डालनी है और ये सारे। अब ये जो जितने काम किए ये बेसिक लेवल की मूवी बनाने के लिए ठीक है, लेकिन अगर आपने और एक्सपर्ट लेवल का या प्रोफेशनल लेवल का काम करना है तो फिर आपको ये सॉफ्टवेयर मेरे ख्याल में इतने सपोर्ट नहीं देगा, आपको कोई और इससे बेहतर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा जिससे आप बेहतर मूवी एडिटिंग कर सकेंगे। लेकिन चूँकि नॉर्मली हर बंदे ने कैमरा रखा हुआ होता है और वो ट्रिप पर भी जाते हैं और तस्वीरें सेव भी करते हैं, तो बेसिक लेवल के लिए ये बड़ा ही लाइट वेट टूल है और ये फ्रीली अवेलेबल है विंडोज़ के साथ, तो आप इसको यूज़ करें। और देखें अभी अच्छा जी, अभी जो है ना 67-68% हो गया, थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं। ओके जी, अभी 99% हो गया, अभी ये कंप्लीट हो गया। अभी ये कंप्लीट करने के बाद मेरे ख्याल से खुद ही प्ले भी कर देता है। हाँ, ये पूछ रहा है कि आपने प्ले करनी है मूवी, आप इसको प्ले कर लें, तो जो भी आपका डिफ़ॉल्ट प्लेयर होगा आप इसको आप यहाँ फुल स्क्रीन करके देख सकते हैं। अब ये देखेंगे वैसे तो वैसे पिक्चर्स और उनके कमेंट्स वैसे आ रहे हैं, अब ये इसकी क्वालिटी काफ़ी बेहतर हाई डेफिनेशन है और इसमें कोई क्वालिटी यूज नहीं की जो पिक्चर हमने देखी, इसको आप आगे पीछे करके अभी तो खैर वहाँ तो समर सर्दियाँ थी, लेकिन जब समर होता है तो इस एरिया में वो एक फेरी लेके आते हैं बोट, उसमें बैठ के बिल्कुल इस पहाड़ के नीचे आ सकते हैं, तो जो पानी की जो पानी उड़ता है वो आपके ऊपर इतना आता है कि आपको बिल्कुल गीला कर देता है। ये कुछ टोरंटो की पिक्चर थी जो हमने इसमें डाल दी, ठीक है। इस तरह से आप क्रेडिट्स के एंड पे मूवी में जो है वो आ जाए।